हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होम्स प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आ रहा हूँ जिसका साइज है 30x35। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसका साइज दिया हुआ 30x35। फ्रंट इसका 30 फिट दिया है और लंबाई इसकी 35 फिट दी हुई है। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में 2 शॉप मिलेंगी, 2BHK हाउस प्लान मिलेगा कार पार्किंग के साथ। उसके ऊपर आपको 4BHK हाउस प्लान पूरा कम्प्लीट मिलेगा। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है। देख सकते हैं फ्रंट इसका 30 फिट दिया, लंबाई इसकी 35 फिट दी हुई, कुछ इस तरीके से इसका साइज दिया हुआ है। कंप्लीट प्लान आपका बना हुआ 3D पूरा। अगर आपका कोई अदर साइज का प्लॉट है तो हमारे चैनल पे आके यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी प्लान मिल जाएंगे अदर अदर साइज के। देख सकते हैं अगर आप चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की ओर। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, फ्रंट में आपको 2 दुकानें दिख रही हैं। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको एंट्री गेट दिख रहा है। गेट से पहले आपको कुछ इस तरीके से रैंप मिल रही है। यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं दुकान के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी दी गई हैं। यहाँ पर गमला रखने के लिए आपको स्पेस भी दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये गेट आपका 8 फिट का लगा है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जब आप गेट से एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कार पार्किंग का एरिया दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छा खासा पार्किंग एरिया दिख जाता है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 10x14 इसका साइज दिया हुआ है। देख सकते हैं 10x14। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है। देख सकते हैं कंप्लीट जीना आपको कुछ इस तरीके से बना हुआ है। 3.5 फिट का आपका जीना दिया है, ये 3.5 फिट का आपका जीना दिया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। ये पैर रखने वाला आपका 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 6 इंच दी है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सीढ़ियों का साइज दिया है। ये स्टेशन आपका 7x4 का बना हुआ है, जिसकी हाइट मैंने 8 फिट रखी हुई है। देख सकते हैं इसकी हाइट मैंने 8 फिट रखी है, ये 4x7 का आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी कार पार्किंग भी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 दुकानें दिख रही हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको 2 दुकानें मिल जाती हैं। दोनों दुकानों का साइज मैंने सेम दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, दुकान का साइज मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, 8x14 इसका साइज दिया। फ्रंट इसका 8.5 फिट दिया है और लंबाई इसकी 14 फिट दी है, कुछ इस तरीके से इसका साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप हॉल में आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले हॉल मिल जाता है पूरा। देख सकते हैं इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है, यहाँ पे आपको 7 फिट का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको 11 फिट का स्पेस मिल जाता है। देख सकते हैं इसकी लंबाई 20 फिट दी हुई है, कुछ इस तरीके से इसका साइज दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ओपन किचन मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको वेंटिलेशन विंडो भी दी गई है, यहाँ पर आपको ओपन किचन दी है, कुछ इस तरीके से किचन बनी हुई है आपकी। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 7.5x10 इसका साइज दिया हुआ है। देख सकते हैं 7.5x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको एक रूम दिख जाता है, यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाएगा जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 10x12 का आपका एक रूम बना हुआ है। देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलेगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते तो यहाँ पे आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है। यहाँ पे आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम दिख जाएगी, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 4x8 इसका साइज दिया हुआ है। देख सकते हैं 4x8। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। यहाँ पे आप कूलर लगाना चाहे तो कूलर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको एक मास्टर बेडरूम दिख जाएगा, जिसमें आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिलेगी कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिया। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको अटैच लैट्रिन बाथरूम मिल जाती है, जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 3.5x8 को यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड मिल जाती है। इस रूम का मैंने साइज दिया है 10x12, ये 10x12 का आपका मास्टर बेडरूम बना हुआ है। देख सकते हैं आप 10x12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में आपको 2 शॉप मिलती है, कार पार्किंग मिलती है, 2BHK हाउस प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की, तो जीने से आपको ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे। देख सकते हैं उसके बाद तुरंत ऊपर जाने के लिए जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिल जाएगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले हॉल में आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से हॉल दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका हॉल दिया है। हॉल में आपको सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलेगा और वेंटिलेशन यहाँ पे विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको पूजा घर दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको पूजा घर मिल जाएगा जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 3.5x8, 3.5x8 इसका साइज दिया हुआ है, देख सकते हैं 3.5x8। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है और वेंटिलेशन रोड साइड से विंडो भी मिल जाती है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको विंडो उपलब्ध आए गए, वहाँ पे आप कूलर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी में आने जाने के लिए आपको एंट्री गेट भी दिया गया है। ये छज्जा आपका 3 फुट का निकला हुआ है, देख सकते हैं ये छज्जा आपका 3 फुट का निकला हुआ है। यहाँ पे आराम से आप बालकनी में आ जा सकते हैं, बालकनी आपकी 3 फुट की उपलब्ध कराई गई है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले रूम में आ जाएंगे जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 10x10, 10x10 इसका साइज दिया है, देख सकते हैं 10x10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलेगा। अगर आप गेट इस साइड लगाना चाहते हैं इस साइड भी गेट लगा सकते हैं। इस गेट से एंट्री लेंगे तब भी आपको यहाँ पे रूम दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं वेंटिलेशन रोड साइड से विंडो दिख जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेंटिलेशन रोड साइड से विंडो मिल जाती है। इस साइड भी आप आराम से कूलर लगा सकते हैं, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x14, 10x14 का आपका ये रूम बना हुआ है, देख सकते हैं 10x14। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जैसी आपको सेम किचन मिल जाती है, यहाँ पे नीचे जैसी सेम पूरी किचन मिल जाती है जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 7x7, 7x7 इसका साइज रखा हुआ है किचन का, देख सकते हैं ओपन आपकी किचन बनी हुई है, कुछ इस तरीके से किचन दी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है और वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 10x12, 10x12 का आपका रूम बना हुआ है, देख सकते हैं जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलेगा। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम दिख जाती है जिसका मैंने साइज रखा है 4x8, 4x8 की आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको एंट्री गेट मिलता है और वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम दिख जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंट्री गेट भी दिया है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाएगी जिसका मैंने साइज रखा हुआ है 3.5x8 और इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 10x12, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको 4 BHK हाउस प्लान पूरा कंप्लीट मिलता है फुल वेंटिलेशन के साथ, देख सकते हैं आप। 30x35 में आपको बहुत ही बेस्ट प्लान दिया है। अब बात करते हैं फ्रंट के एलिवेशन की अटिया की। ये आपकी कंप्लीट अटिया बनी हुई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं वेंटिलेशन यहाँ पे आपको जाल दिया गया है, वेंटिलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्लास का यूज किया है, काफ़ी अच्छा खासा उजाला भी बना रहा है और लुक भी अच्छा खासा लग रहा है। फ्रंट एलिवेशन आपका देख सकते हैं इस साइड का मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, यहाँ पे नॉर्मल रेलिंग का यूज किया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एलिवेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप मकान का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, मकान नंबर लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। ऊपर वाला भी छज्जा आपका 3 फुट का, नीचे वाला भी छज्जा आपका 3 फुट का निकला हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान आपको बहुत ही पसंद आया, और आज का प्लान पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।